तो ये आपको डार्क वाला भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इसे भी मैं इसे बाय कर लेता हूँ। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ भाई दोस्तों, क्योंकि रीज़न ये है कि अब इसके अंदर आपको UI 7 का अपडेट तो देखने को मिलेगा नहीं। अब आपके पास में गुड लॉक के जो फीचर्स हैं वो आप गुड लॉक से ही फीचर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, यही आपके पास में ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आपको अभी दो एप्लीकेशन बाय करके बताई है, दूसरी ये डार्क वाली मैं कर ही रहा हूँ। तो देखते रहिए। अब इसका देखो, आप अगर कहोगे तो मैं इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। अगर इसका एप्लीकेशन का अपडेट आया, नए आइकॉन पे अगर आते हैं UI 7 के और भी, तो आप उसके लिए क्या करोगे? क्योंकि आप उसको अपडेट तो कर नहीं सकते, शायद अगर करते भी हो तो वो शायद कुछ एक्सेस मांगेगा यहाँ पे। और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है आपको, अगर वो अपडेट मिल जाता है तो। क्योंकि मैंने ऐसे नोवा लॉन्चर का भी जो है बाय किया था और आपको बताया था मैंने, थर्ड पार्टी में क्या पता ही चल जाता, थर्ड पार्टी में यूज़ करने में भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है, फेस होती है। बाकी UI 7 के आइकॉन पे काफ़ी अच्छा लग रहे हैं। बाकी आप एक एक जगह कस्टमाइज भी यहाँ पे कर सकते हो। चलिए, ये भी डाउनलोड हो चुके हैं, तो इसका भी फटाफट से हम जाके थीम में जाके इसे भी कर लेते हैं। चलिए, ये आ गया डार्क वाला, तो इसे भी क्रिएट कर लेते हैं बिगर कुछ किए। देखो इसका शेप आपको नीचे जो आइकॉन है इसका शेप आपको अलग दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा। बट ठीक है, हम यही रहने देते फिलहाल तो अभी। वही डार्क करके मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। आइकॉन की साइज़ भी आपको परफेक्टली यहाँ पे देखने को मिल जाती है, कोई मतलब ऐसा कट नहीं है। अगर ऐसा भी होता है तो आप वहाँ से कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि UI 7 के जो आइकन से डार्क में और नॉर्मल जो कैसे लगते हैं, काफ़ी अच्छा लुक इसका आता है, तो आप ऐसे ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। चलिए, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए। थैंक यू।